बधाई देता हूँ मेरे अपने जनपद की और जो बेटियों के लिए मेरी तवज्जो रहती है हमेशा कि पढ़ें और आगे बढ़ें और बाप का नाम रोशन करें। तो उम्मे हनी बिल्कुल जो मैं कहूँगा कि बिल्कुल मेरे बच्ची की तरह है। उसने जिला टॉप नहीं किया, जिले टॉप के साथ साथ हमारा भी सीना चौड़ा हुआ है उससे। और हमारा आज मकसद था कि उस बच्ची के सर पर हम हाथ रख दें। उसी पर्पस से हमने कहा कि ठीक है, बच्चे को वालदेन से के लेके आए, हम भी बात करेंगे। वैसे तो मेरा उद्देश्य रहता है कि हर हालात में बच्चियां बहुत ऐसी हैं जो पढ़ना चाहती हैं, बहुत ऐसे अभिभावक हैं जो पढ़ाने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आर्थिक तंगी उनके आड़े आ जाती है और बच्चियां नहीं पढ़ पाती। मेरा प्रयास रहता है कि हर हालात में वो बच्ची पढ़ें अमरोहा में। अगर कोई भी बच्ची इस तरह से है, अगर वो पढ़ना चाहती है और जहाँ भी पढ़ना चाहती है, मैं कोशिश करूँगा वो आर्थिक तंगी से ना जूझे। मेरी अपनी तरफ से प्रयास रहेगा, उस बच्ची को पढ़ाएंगे हम। आज ये बच्ची जनपद टॉप करने के बाद पुनः बधाई और दुआओं के साथ कि अल्लाह इसके आगे की जो मन है, जो तमन्ना है कि इंजीनियरिंग हम करें, जो आईआईटी रुड़की या कानपुर, ये दो बड़े हमारे कॉलेज हैं, तो उस पर ट्राई के लिए हमने कहा है। हम इनके वालदेन को भी मतलब आश्वस्त करते हैं कि अल्लाह ने हसबी हैसियत इतनी दी है कि वो अपने बच्चों की परवरिश और शिक्षा उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें दिला सकते हैं। लेकिन मैं उनके वालदेन को भी यकीन दिलाता हूँ कि इस बच्ची की जिम्मेदारी अगर ये कहीं पढ़ कर आगे बढ़ने की है तो मेरी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस बच्ची में जिस तरह से भी हो जाए इसकी इच्छा का दमन ना हो और उसमें हम जैसे व्यक्तियों का भी सहयोग हो जाए, जो हमेशा कोशिश रहती है कि जिस जहाँ भी ये पढ़ना चाहे और जो भी उसमें कहीं बाधा या आर्थिक परेशानी की बदौलत ये कहीं रुके नहीं। हमारा तरह से मन है कि इच्छा है कि हमारी किसी भी तरह ये आगे पढ़े और आगे बढ़े, जो मकसद से इंजीनियरिंग बनने के बाद इसका है बच्ची का, उसमें जो भी हो सकता है एक बड़े होने की बदौलत, एक जन सेवक और बच्चों से बेपनाह कहीं ना कहीं मोहब्बत के साथ वो आगे बढ़े उसकी बदौलत, उसमें कोशिश है कि बच्ची पढ़े आगे बढ़े। तो निश्चित ही मान लीजिए उनके वालदेन को तो खुशी होगी लेकिन मुझे भी बेपनाह खुशी होगी और मेरा सीना चौड़ा होगा अगर किसी पद पे जाकर एक अमरोहा का नाम रोशन हो करेगी तो हमें अच्छा लगेगा। इस बधाई के साथ कि निश्चित भावनाएं हमारी हैं और हम बच्ची से उम्मीद करते हैं कि बच्ची पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, हमारी पुनः गुजारिश है कि पढ़ो, क्योंकि आज कल का हिंदुस्तान आज का नौजवान है और कल का हिंदुस्तान तब अच्छा हो सकता है जब आज का नौजवान अच्छे से पढ़े, तभी आगे बढ़ सकता है। जब आगे बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा, अमरोहा के बच्चे आगे बढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि मेरे अपने बच्चे आगे बढ़े हैं और आगे बढ़कर अगर देश में कहीं भी किसी पद पर जाएंगे तो निश्चित ही मुझे भी उतनी ही खुशी होगी जिनके उनके वालदेन को होती है। बार बार उस बधाई के साथ, उस उम्मीद के साथ कि आप पढ़ेंगे और जहाँ तक आपकी इच्छा है वहाँ तक पढ़ाने में जो सहयोग हमसे चाहोगे हम करेंगे। बधाई।